11 दिसंबर को देश भर में होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत से एक दिन पहले एक्सीडेंटल केस में पीड़ित और इंश्योरेंस कंपनी ने सुलह समझौता कर लिया। वर्ष 2019 में हुए सड़क हादसे में एक शिक्षक की जान चली गई थी। इस मामले में पीड़ित ने 1 करोड़ का मुआवजा ठोका था। करीब 1 साल पुराने केस में सुलह में इंश्योरेंस कंपनी ने 75 लाख मुआवजा देने की हामी भर दी। इस केस की खासियत यह है कि सीतापुर के इतिहास में यह पहला सुलह समझौता जिसमें इंश्योरेंस कंपनी बतौर मुआवजा में इतनी बड़ी रकम दी है। ऐसे में अब सुलह समझौता लगाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में इस केस को खत्म कर दिया है। साथ ही 1 सप्ताह में कंपनी न्यायालय में सुलह समझौते की रकम बतौर चेक भी देगी। अब पूरा मामला भी समझ लीजिए। सीतापुर के कमलापुर के पीत नगर के रहने वाले शिव कुमार मिश्रा का बेटा सुजीत कुमार मिश्रा सकरन ब्लॉक के राजापुर प्राथमिक विद्यालय में बतौर शिक्षक थे। वर्ष 2019 में शिक्षक सुजीत मिश्रा बाइक से स्कूल जा रहा था। रास्ते में एक ट्रक ने उसकी बाइक से पीछे से टक्कर मार दिया जिससे शिक्षक की मौत हो गई। इस मामले में पीड़ित ने करीब 1 करोड़ इंश्योरेंस कंपनी से मुआवजा दावा किया था। करीब 1 साल तक केस चलने के बाद पीड़िता और इंश्योरेंस कंपनी ने केस में सुलह समझौता करने को तैयार हुए हैं। शुक्रवार को पीड़ित और इंश्योरेंस कंपनी के बीच हुए सुलह समझौते में इंश्योरेंस कंपनी 75 लाख बीमा देने को तैयार हो गई है। इस मामले में इंडिया ने पीड़ित के पिता शिव कुमार मिश्रा ने बताया। ये क्या पूरा मामला है, आज उसका सुलह हुआ है? हमारा लड़का जो है वो सकरन ब्लॉक के राजापुर गांव में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त था। सुबह 7:30 बजे मौसम वो स्कूल जा रहा था। वो मुजफ्फरपुर कट के पास पीछे से आ रहे ट्रक ने उसकी टक्कर मारी जिसके ट्रामा सेंटर ले गए, वहाँ उसकी डेथ हो गई। फिर उसके बाद हमने जो है यहाँ पे क्लेम किया है उन्होंने 2019 में, जो अभी तक चल रहा था। आज उस पर वकील साहब दोनों पार्टी के वजह से जो है सुलह समझौता हो गया। क्या हुआ सुलह समझौता जी? सुलह समझौता में क्या हुआ? सुलह समझौते में हुआ कि मतलब वकील साहब दोनों माध्यम से 75 लाख देने की बात बीमा कंपनी। आपका नाम? शिव कुमार मिश्रा। मृतक के पिता इस मामले में पीड़ित के अधिवक्ता भरत सिन्हा ने आइंडिया को जानकारी दी। ये बताइए क्या पूरा मामला था, सुलह समझौता हुआ? ये एक मोटर दुर्घटना का केस था जो 2019 में दुर्घटना हुई। एक प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक थे, उनकी डेथ हुई थी। सुजीत कुमार जी की उनकी पत्नी और बच्चे और माँ बाप ने क्षतिपूर्ति के लिए ये केस दाखिल किया था जो बीमा कंपनी से आज सुलह हुआ है, जिसमें 75 लाख रुपए पे पक्षकार दोनों सहमत हुए हैं और उनकी सहमत से आज सुलहनामा दाखिल किया गया है और कल लोक अदालत के लिए में निर्णय के लिए लगाया गया। आपका नाम? भरत सिन्हा, एडवोकेट। इंश्योरेंस कंपनी के अधिवक्ता एस के खुराना ने आई इंडिया को बताया। आज जो सुलह समझौता हुआ है क्या था पूरा प्रकरण? देखिए ऐसा है कि कल राष्ट्रीय लोक अदालत पूरे देश में कल लोक अदालत बनाई जाएगी और सुलह समझौते के आधार पर इसमें मुकदमे सुलह होते हैं। तो जो भी मोटर दुर्घटना जो मोटर एक्सीडेंट के केसेस होते हैं वो भी इंश्योरेंस कंपनी सुलह करती है। ये जो मुकदमा हुआ ये सीतापुर का ऐतिहासिक मुकदमा है। अब तक 75 लाख पे कोई भी मुकदमा आज तक सीतापुर में सुलह नहीं हुआ। ये एक सरकारी अध्यापक था, वो एक्सीडेंट में ख़त्म हो गया था और जिस ट्रक से ख़त्म हुआ था उस ट्रक का बीमा यूनिवर्सल शोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के था। यूनिवर्सल शोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के हेड ऑफिस मुंबई में है। इनकी लीगल हेड मैडम स्वाति पवार हैं। उनसे जब हमारा डिस्कशन हुआ तो उन्होंने CMD से डिस्कस करके इसको उनसे वार्तालाप करके ये 75 लाख रुपए का मुझे इन्होंने अधिकृत किया कि 75 लाख रुपए में मुकदमे को सुलह कर लीजिए और अगर आर्डर जाता तो शायद 1 करोड़ से ऊपर जाता तो पार्टी को भी तुरंत पैसा मिल जाएगा, 1 महीने के अंदर पैसा आ जाएगा। और आज पक्षकार आई थी, वो जो मृतक अध्यापक था उनकी पत्नी, उनका नाबालिग बच्ची और उनके माता पिता आए थे, बीमा कंपनी की तरफ से मैं स्वयं था और आज ये मुकदमा जो है सुलह हो गया। कहाँ का मामला था ये? मामला कमलापुर का था। इस मुकदमे का टाइटल अंकिता मिश्रा बनाम सुरजीत सिंह है और ये करीब 1.5 साल से मुकदमा चल रहा था। और वैसे तो मुकदमा चलने में 4-5 साल डिसाइड निर्णय होने में लग जाते हैं, सुलह समझौते से मुकदमे जल्दी निर्णय हो जाते हैं
उससे दोनों पक्षकारों को फायदा रहता है, जो दुर्घटना पीड़ित हैं उनके परिवार वालों को भी फायदा रहता है, जो इंश्योरेंस कंपनी है उनका भी कुछ पैसा बच जाता है। तो उसका जो मेन पर्पज है वो यही है कि जल्दी से जल्दी दुर्घटना पीड़ितों को पैसा दिया जाए। तो अब तक यहाँ पर सीतापुर में करीब 18 से 20 मुकदमे सुलह समझौते के आधार पर निर्धारित हो चुके हैं, कल इनका आदेश हो जाएगा। उसमें 12-13 मुकदमे, मैं खुद 14-15 इंश्योरेंस कंपनी का वकील हूँ, मेरा नाम एस के खुराना है, और मैंने 12-13 मुकदमे यहाँ पे दाखिल किए। आज ये मुकदमा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अब तक का 75 लाख रुपए सीतापुर या आसपास के जिलों में कोई भी मुकदमा सुलह समझौते के आधार पर निर्धारित नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, और ये मुकदमा लास्ट टाइम एक हुआ था, मुझे याद है, एक सरकारी अध्यापक का, वो 48 लाख का मैंने कम्प्रोमाइज़ कराया था, और ये मुकदमा 75 लाख का है। ये पहली बार इतनी धनराशि किसी भी बीमा कंपनी ने यहाँ पर इसमें दी है सीतापुर, तो इसलिए ये मुकदमा अपने आप में महत्वपूर्ण है। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।